So first thing is, why we need a biofuel? For what are biofuel? Biofuel kya hai? Biofuel is living, na? Which are produced from a biomass. By a biological process. Now when I say biomass, biomass is means mass contained or produced by living beings. Okay? So fossil fuel is a different, because that is not a living fuel. So that this is why we need a biofuels. The reason is मतलब क्यों चाहिए भाई भी नीड ऑफ बायोफ्यूल सर बाकी लोग कह रहे हैं सर रिपोर्ट सर रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन अदर प्रॉपर्टीज देखो एक तो है रीजन इज पोल्यूशन है ना यूपीएससी कैन आस्क यू दिस क्वेश्चन इन टू वेज वन इज व्हाई वी नीड अ बायोफ्यूल सेकंड इज व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ बायोफ्यूल कंसर्न भी पूछ सकती है नाउ व्हाई वी नीड और व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ सेविंग वन इज पोल्यूशन हाई पोल्यूशन उससे क्या होता है हेल्थ इंपैक्ट आते हैं राइट द सेकंड इज बायोफ्यूल कैन डिक्रीज इंपोर्ट डिपेंडेंस ऑन फ्यूल है ना ठीक है इंपोर्ट डिपेंडेंस मतलब हम इतना फ्यूल इंपोर्ट कर रहे हैं ना इफ यू इंट्रोड्यूस अ बायोफ्यूल दे कैन डिक्रीज अ दैट ट्रेड डेफिसिट है ना और क्या बेनिफिट होगा इनकम टू फार्मर्स मिलेगी नहीं क्योंकि बायोफ्यूल आएगा कहां से एग्रीकल्चर थिंग्स है ना इवन एनिमल थिंग्स कैन बी यूज टू प्रोड्यूस अ बायोफ्यूल ठीक है तो अगर यूपीएससी ने पूछा एनिमल इज आल्सो अ राइट बट वो हम यूज नहीं करते क्यों नो है ना यहाँ तो मारना बड़ा मुश्किल है सुल्तान खान से पूछे हो क्या है ठीक है और क्या बेनिफिट होगा इंडस्ट्री बूस्ट and at the last employment is there, है ना? So these are major. Even the fulfillment of INDC. INDC क्या है? Intended nationally determined contribution. India ने जो की हुई है ना? To achieve that, we need to do all these. Now the basic concept. Now this is very important topic. From prelim as well as mains perspective. Now UPSC can ask you a many question out of this क्योंकि biofuel पर question इतने बनते हैं कि कुछ भी पूछ सकते हैं now first is classification of biofuel हमने classify किया biofuel on the basis of sources and ultimately they need a different generation आपने environment में पढ़ा हुआ है biofuel generation of biofuel अगर नहीं पढ़ी तो नहीं आईटीसी को तो मैंने पढ़ा है सर फर्स्ट बैच था ना और हमने भी पढ़ा अच्छा नो जनरेशंस फर्स्ट जनरेशन फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल होते हैं विच प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फूड क्रॉप्स ठीक है सही फूड क्रॉप मतलब इफ आई से आई एम प्रोड्यूसिंग बायोफ्यूल फ्रॉम पोटैटो इथेनॉल प्रोड्यूस किया पोटैटो से वो कौन सी जनरेशन होगी अरे कुछ भी बोल दो आए तो बच्चे कम हैं क्या कर हैं फर्स्ट जनरेशन है ना ओके नाउ
फूड क्रॉप्स है ना, नाउ दिस इज द टेक्नोलॉजी नीडेड फॉर दिस टाइप ऑफ बायोफ्यूल, दिस टेक्नोलॉजी इज प्रेजेंट इन इंडिया, ये टेक्नोलॉजी इंडिया में है, ठीक है। नाउ द इट मींस इस टेक्नोलॉजी को इतनी मतलब हाई फाई रिसर्च डेवलपमेंट की अभी है नहीं, दिस टेक्नोलॉजी इज वेरी वेल एस्टेब्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट इसमें इंडिया को इशू क्या है? बायोफ्यूल प्रोड्यूस कर रहा है ना, इट इज यूजिंग शुगर केन, इट इज यूजिंग द पोटैटोज एंड अदर थिंग्स, नो ड्यू टू दैट देयर कैन बी अ शॉर्टेज ऑफ फूड क्रॉप इन इंडिया, सो दिस इज द बिगेस्ट इशू, दिस इज वाई इंडिया इज नॉट मच रिलाइंग ऑन फर्स्ट जनरेशन। तो आपको क्वेश्चन ऐसे आ सकता है दैट इट लीड टू अ फूड सिक्योरिटी इशू यस इन इंडिया, एंड सेकेंडली इंडिया इज नॉट मच रिलाइंग ऑन दिस, पास में जो हमारा बायोफ्यूल दिस इथेनॉल जो प्रोग्राम एंड दिस डीजल प्रोग्राम है ना, उनमें सारा हमने फर्स्ट जनरेशन यूज की, उसके बाद आती है सेकेंड जनरेशन, सेकेंड जनरेशन में क्या होगा, सेकेंड जनरेशन नॉन फूड क्रॉप, सिंपल सिंपल ही क्वेश्चन आएगा सीधा वहां पर, ये डील विद द नॉन फूड क्रॉप, सो इट मींस दैट सेकेंड जनरेशन इज अ बेटर देन फर्स्ट जनरेशन है ना, बिकॉज फ्रॉम सेकेंड जनरेशन वी आर यूजिंग, इन सेकेंड जनरेशन वी आर यूजिंग नॉन फूड क्रॉप्स, इन द फर्स्ट जनरेशन देयर वर फूड क्रॉप्स, सो इफ आई यूज दिस फूड क्रॉप्स है ना, मुझे बायोफ्यूल चाहिए, इथेनॉल चाहिए या बायोडीजल सिन गैस कोई भी है ना, नाउ विद दैट देयर विल बी अ डिक्रीज इन फूड क्रॉप्स, तो इंडिया में ऐसा हो सकता है फूड सिक्योरिटी के इशू आ जाए है ना, ड्यूरिंग फेमीन एंड अदर थिंग्स फ्लड आ गया, फूड शॉर्टेज होगी, तो यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी, सो सेकेंड ऑप्शन इज नॉन फूड क्रॉप्स। नाउ इफ आई टॉक अबाउट वेजिटेबल ऑयल, तो वेजिटेबल अगर ऑयल की बात करें तो वो कौन सी जनरेशन होगी, इट कैन बी फर्स्ट एंड सेकेंड, इफ आई टॉक अबाउट वर्जिन वेजिटेबल ऑयल इट विल बी फर्स्ट जनरेशन बिकॉज अनयूज्ड वेजिटेबल ऑयल, इफ आई टॉक अबाउट वेस्ट वेजिटेबल ऑयल कौन सी जनरेशन होगी, सो इट मीन देर आर सम क्वालिफिकेशन फॉर द सेकेंड जनरेशन, कुछ ना कुछ तो क्वालिफाई होगा, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से पोटैटो, इफ यू आर यूजिंग पोटैटो टू मेक अ बायोफ्यूल कौन सी जनरेशन होगी, फर्स्ट जनरेशन, इफ यू आर यूजिंग जैसे पंजाब ने अभी रिसेंटली किया था रॉटन पोटैटो, ठीक है, इफ यू आर यूजिंग रॉटन पोटैटो है तो फूड क्रॉप ही, वो क्या कौन सी जनरेशन होगी, सेकेंड, तो इसका मतलब कुछ तो क्राइटेरिया होगा, बिकॉज अदरवाइज आप याद तो कर नहीं सकते सारा कुछ है ना, कि कौन सा फर्स्ट होगा कौन सा सेकेंड, तो आपको क्या करना है सिंपली कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना, तो विद ऑन द बेसिस ऑफ कंसेप्ट यू कैन इजिली डिटेक्ट दैट पर्टिकुलर थिंग इज अ फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन, सो देर आर थ्री क्वालिफिकेशन फॉर द सेकेंड जनरेशन, नंबर वन इज नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, तो आपको अगर ऐसा भी एग्जाम में आ गया दैट विच आर द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज क्वालिफिकेशन फॉर सेकेंड जनरेशन, क्या हम सेकेंड जनरेशन फ्यूल कहेंगे क्यों है ना, भाई कुछ तो क्वालिफिकेशन होगी, नंबर वन इज नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन लाइक रॉटन पोटैटो, इट इज नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, वेस्ट वेजिटेबल ऑयल नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, सेकेंड इज नॉट ऑन एग्रीकल्चर लैंड, एग्रीकल्चर लैंड पर ना हो, इट कैन बी ऑन मार्जिनल लैंड, मार्जिनल लैंड मतलब साइड पे है ना, जो वेस्ट लैंड बोल देते हैं, मतलब जिस पर हम मेन एग्रीकल्चर नहीं कर रहे, ठीक है, द थर्ड वन इज नीड लो मेंटेनेंस, ये याद कर लेना बस, नीड लो मेंटेनेंस, फॉर एग्जांपल इफ यू आर ग्रोइंग अ पर्टिकुलर फूड क्रॉप है ना, या तो फूड क्रॉप को ग्रो करोगे, अगर आपने वेस्ट लैंड पर भी सपोज ग्रो कर दिया, इवन देन यू नीड अ हाई क्वांटिटी ऑफ फर्टिलाइजर, क्योंकि उस वाइज में तो कुछ है ही नहीं, तो वो इसमें क्वालिफाई नहीं होता, लेकिन तीनों कंडीशन में जैसे फुलफिल होगी रॉटन पोटैटो की है ना, नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, तो वो सेकंड जनरेशन में, क्लियर, नाउ इंडिया ने इतना क्लियर दैट फर्स्ट जनरेशन इज, नाउ दिस इंक्लूड अ हाई लेवल टेक्नोलॉजी, इसकी एग्जांपल और कौन सी है, वेस्ट वेजिटेबल ऑयल हो गया, ग्रास, वुड,
तो ये एग्जांपल याद रखना दिमाग में, बस वहाँ पर जनरेशन ही पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग, चार पांच चीज़ें आपको दे देंगे कौन सी जनरेशन, स्ट्रॉ, ऑर्गेनिक वेस्ट, दीज आर फ्यू एग्जांपल ऑफ सेकंड जनरेशन, ठीक है। नो इंडिया स्टार्टेड अ नेशनल बायोडीजल मिशन इन 2009, ठीक है। इंडिया ने नेशनल बायोडीजल मिशन स्टार्ट किया, ठीक है। अब इसमें आएगा क्या, बायोडीजल मतलब इफ इट इज अ वी कैन से इथेनॉल, इट विल बी अ मोस्टली शुगरी शुगरी सोर्सेस, एंड इफ इट इज अ ऑयल सोर्स लाइक कोई नट्स है ऑल दीज थिंग है ना, सीड दे विल प्रोड्यूस अ डीजल, क्लियर। सो इंडिया ने स्टार्ट किया बायोडीजल मिशन 2009, दे सिलेक्टेड अ जेट्रोफा बायो, इस पे क्वेश्चन आया हुआ और स्टेट में खासकर तो बार बार पूछते हैं, जेट्रोफा फियास्को, जेट्रोफा फियास्को क्या है, जेट्रोफा फियास्को इज अ सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट, ठीक है। इंडिया ने ग्रो किया वेस्ट लैंड पर एंड टू प्रोड्यूस अ बायोडीजल, ये हमारा मिशन स्टार्ट हुआ था 2009, उसमें हमने क्या यूज किया, जेट्रोफा फियास्को, स्पेलिंग लिखो, जेट्रोफा फियास्को, ठीक है, इंडिया ने यूज किया इसका, बट ड्यू टू लो प्रोडक्टिविटी, ठीक है, इसको हम किस लिए यूज करते थे, फॉर द बायोडीजल मिशन, टू प्रोड्यूस अ बायोडीजल, बट ड्यू टू लो प्रोडक्टिविटी है ना, ड्यू टू लो प्रोडक्टिविटी ऑफ जेट्रोफा फियास्को वी आर अनेबल टू फुलफिल बायोडीजल मिशन, क्योंकि जितना आपके पास इंग्रेडिएंट नहीं होगा है ना, सोर्स नहीं होगा, रॉ मटेरियल क्या चाहिए हमें, जेट्रोफा फियास्को, जेट्रोफा फियास्को से हम क्या प्रोड्यूस करेंगे, बायोडीजल। अगर आपके पास जेट्रोफा फियास्को ही नहीं है, उसकी क्वांटिटी इतनी सफिशेंट नहीं है कि हम पूरे इंडिया में डीजल के साथ इसकी ब्लेंडिंग कर सकें है ना, तो क्या होगा, शॉर्टेज है, तो हम पूरा मिशन हमारा फुलफिल नहीं कर पाए। एक और नाम पूछा जाता प्लांट का जो एग्जाम में, दैट इज पोंगेमिया पिनाटा, ये बस नाम ही याद करो, अनदर ऑप्शन इज पोंगेमिया पिनाटा, ठीक है, पोंगेमिया पिनाटा। तो इफ दे आस्क यू दैट जेट्रोफा फियास्को वाज यूज्ड इन इथेनॉल मिशन और बायोडीजल मिशन, द आंसर विल बी बायोडीजल मिशन। इफ दे आस्क यू पोंगेमिया पिनाटा इट इज ऑल्सो अ वी कैन से सफिशिएंट फॉर द अचीवमेंट ऑफ बायोडीजल, बट इट इज नॉट करंटली इन प्रैक्टिस, क्योंकि अब तो बायोफ्यूल पॉलिसी आ गई हमारी, ठीक है, ये मैं आपको थोड़ा सा पास में बता दूँ। द थर्ड जनरेशन, नेक्स्ट वन इज थर्ड जनरेशन, सेकेंड की टेक्नोलॉजी है, सेकेंड टेक्नोलॉजी है इंडिया में अभी, इन्होंने इसलिए तो इसको अभी बायोफ्यूल पॉलिसी में डिटेल करो, पहले बेसिक समझो, देन द थर्ड जनरेशन, थर्ड जनरेशन मीएस में भी क्वेश्चन आ सकता है, देखें आज की वो प्लेस था डिफरेंट जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल स्टेट में खासकर, क्योंकि ये थोड़ा एनर्जी व्यू में क्वेश्चन, नो द थर्ड जनरेशन क्या है, एलगी वगैरह, एलगी, नो एलगी वाज प्रीवियसली प्रेजेंट इन सेकंड जनरेशन, ठीक है, बट इट नीड अ हायर फर्टिलाइजर, इसको फर्टिलाइजर ज्यादा चाहिए, ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया कि एलगी कहाँ पर होती है, वेयर एवर CO2 एंड H2O इज प्रेजेंट एलगी कैन बी ग्रो, वेदर इट्स अ वाटर और वेदर इट्स अ लिक्विड डजंट मैटर, समझे, वेयर एवर, ये याद रखना, ये मैं जो स्टेटमेंट बोल रहा हूँ एग्जाम के परस्पेक्टिव से बोल रहा हूँ, तो उसको सीधे लिख लेना, वेयर एवर CO2 एंड H2O इज प्रेजेंट एलगी कैन बी ग्रो, ठीक है। सो थर्ड जनरेशन क्या है, एलगी बेस, क्लियर, मतलब सेकंड जनरेशन नॉन फूड क्रॉप्स, थर्ड इज एलगी बेस, एलगी वाज प्रीवियसली इन द सेकंड जनरेशन, देन दे पुट इट इनटू द थर्ड जनरेशन, द रीजन इज दैट द सेकंड जनरेशन अदर नॉन फूड क्रॉप्स दे नीड अ डिफरेंट टेक्नोलॉजी एंड एलगी नीड अ डिफरेंट टेक्नोलॉजी, क्लियर। सो थर्ड जनरेशन इज एलगी बेस,
लेकिन आल्सो आस्क यू कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लिख दिया और सामने बता दिया फूड क्लॉप है नॉन फूड एल की है और सिंह तो उसको मैच करो मैच करो ठीक है ऐसा भी क्वेश्चन आता द लास्ट वन इज अ फोर्थ जनरेशन फोर्थ जनरेशन में क्या आएगा फिर दोनों में डिफरेंस समझो थर्ड जनरेशन इज एलगी बेस्ड फोर्थ जनरेशन इज ऑल्सो एलगी बेस्ड फोर्थ जनरेशन की अभी टेक्नोलॉजी आई है ठीक है अभी मतलब ऑन द पेपर तो है एक्चुअल टेक्नोलॉजी है मतलब थर्ड जनरेशन टॉक अबाउट दी जनरेशन ऑफ बायोमास फॉर एग्जाम्पल आपके पास एलगी है यू वॉन्ट टू प्रोड्यूस अ बायोफ्यूल तो आप उसको क्या करोगे यू हैव टू डिस्ट्रॉय दैट है ना तो उसको जो भी मशीन में जो भी चलेगा उसमें बट इन फोर्थ जनरेशन देर इज अ नो नीड टू डी जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल बायोमास अगर कोई प्लांट है जो आइडिया है जो किसके प्रिंसिपल पे ये काम करेगी वो इतना दिया हुआ है दैट इफ सपोज देर इज अ प्लांट तो उससे हम कनेक्ट करेंगे उसमें CO2 ट्रैप होगी ऑन द लीव्स तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन की रनिंग होती है उससे हम लेटर ऑन बायोफ्यूल प्रोड्यूस करेंगे कैसे होगा ये नियम है समझे तो आपको आइडिया क्या होना चाहिए इट इज सिमिलर टू थर्ड जनरेशन बट देर इज नो नीड टू डिस्ट्रॉय अ बायोमास समझे आप क्लियर है या नहीं सो इसमें होगा क्या दे विल कैप्चर CO2 जैसे एक प्लांट है ना अब उसके लीव पर तो ट्रैप करेंगे CO2 वहां से कोई टेक्नोलॉजी से उसको कैप्चर करेंगे सो इट मीन्स दैट दिस इज वेरी एफिशिएंट ना तो इसमें बायोमास की डिस्ट्रक्शन है ना तो हम इससे बायोफ्यूल भी प्रोड्यूस कर सकते हैं बट इसकी टेक्नोलॉजी अभी हाँ जी इंडिया में नहीं वर्ल्ड में नहीं है इंडिया के पास तो ठीक है तो क्लियर इतना तो फर्स्ट जनरेशन इज द फूड बेस्ड सेकंड इज नॉन फूड थर्ड वन इज एलगी एंड फोर्थ वन इज ऑल्सो एलगी बट डिफरेंस इज दैट इन द थर्ड जनरेशन देर विल बी डिस्ट्रक्शन ऑफ बायोमास आप एलगी एक बार यूज की वो डिस्ट्रॉय होगी देन यू हैव टू ग्रो एलगी मोर बट इन द फोर्थ जनरेशन देर इज नो नीड टू ग्रो मोर एलगी तो जैसे CO2 ट्रैप करेगा अल्टीमेटली वो बायोफ्यूल उसके कार्बन से लिंकिंग जो भी उनकी होगी इसकी एग्जाम्पल है जैसे इलेक्ट्रोफ्यूल्स उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है कि वो जो बनाएंगे उसको उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफ्यूल्स फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रोफ्यूल्स ठीक है इंडिया फर्स्ट अभी सेकेंड में काम करेगा जो बायोफ्यूल ठीक है इतना क्लियर हो गया चार जनरेशन नाउ इंडिया इंट्रोड्यूस अ बायोफ्यूल पॉलिसी हमने बायोफ्यूल पॉलिसी इंट्रोड्यूस की कब की थी 2018 ठीक है ये हो गया नाउ बायोफ्यूल पॉलिसी तो व्हाई वी नीड अ बायोफ्यूल पॉलिसी टू अचीव अ टारगेट देखो ब्लेंडिंग होती है फॉर एग्जाम्पल इथेनॉल की इससे ज़्यादा ब्लेंडिंग होगी पेट्रोल ठीक है एंड बायोडीजल की डीजल के साथ अभी जेट स्पाइस जेट ने है ना स्पाइस जेट ने किया था 45% बायोफ्यूल लेकर उसको जेट फ्यूल में डाला एंड दे सो बायोफ्यूल का बेनिफिट क्या होगा सी इट इज़ अ कार्बन न्यूट्रल डिफरेंस समझो कार्बन न्यूट्रल मतलब क्या है इफ दिस इज अ प्लांट It will absorb CO2 during its life, है ना? Absorb की, then you destroy and convert into biofuel. तो जो उसने store की थी, है ना? वो ultimately फिर environment में आ जाए. ना ही उसने carbon ज़्यादा release की, ना ही कम की. That's why it is called carbon neutral. समझे आप? अगर मैं fossil fuel की बात करूँ, for example petrol. Petrol तो already वो stored है ना? कितने time से stored है? ऐसा तो नहीं है एक साल से स्टोर हो रही है कितने सेकंड टाइम से स्टोर है तो जितना उसको मैं पेट्रोल को यूज़ करूँगा उसमें जितने भी एग्जॉस्ट निकलेगा दैट विल बी एड ऑन टू आर एनवायरमेंट है ना समझे यार सो इट मीन्स दैट दिस इज द रीजन दैट वी नीड अ बायोफ्यूल दैट कि इट इज़ अ कार्बन न्यूट्रल कि जितना मतलब अगर आज कोई 35 लेवल है ना अगर उसको मैंने यूज़ किया तो उसका लेवल एनवायरमेंट का क्या रहेगा सेम ही रहेगा ऐसा भी आपको पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कार्बन न्यूट्रल चार डेफिनेशन दे दिया आपको कोई भी
कि कार्बन न्यूट्रल होता क्या है. कार्बन न्यूट्रल होता है जो जितना अब्सॉर्ब करेगा उतना ही रिलीज करेगा. इफ आई से दैट कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन CO2, आपने कोई कोल माइन है ना, कोल माइन में आपने CO2 को उसको सिक्वेस्ट्रेशन कर दिया, उसमें करते हैं ना कैप्चरिंग ऑफ CO2 पड़ा है. कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होता है जैसे फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट अब्सॉर्ब करते हैं CO2. सिमिलरली जो ओल्ड साल्ट केव्स है या ओल्ड माइंस है हमारी, ठीक है, जो खाली हो चुकी है उसमें हम क्या करते हैं CO2 को मर्ज कर देते हैं और वो सारी जिंदगी के लिए CO2 अंदर ही रहती है, ठीक है. वो डिफरेंट डिग्री, दैट इज नॉट अ कार्बन न्यूट्रल. कार्बन न्यूट्रल तो नहीं, क्योंकि वो तो उसमें अब्जॉर्ब होगी, वहाँ वहीं पर रहेगी, एनवायरमेंट में रिलीज तो होगी नहीं, है ना, दैट इज एड ऑन. क्लियर? ओके, देन इंडिया इंट्रोड्यूस, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है. ओके, मतलब टारगेट क्या है, प्रेजेंट टारगेट हमारा कितना है, पेट्रोल प्लस इथेनॉल इज 2%. अभी प्रेजेंट टारगेट है, प्रेजेंट जो हमारा पहले चल रहा था, अभी तो 10% कर दिया, पेट्रोल प्लस इथेनॉल 2%. 2% का मतलब दैट वी विल ब्लेंड इथेनॉल इनटू पेट्रोल, पेट्रोल विल बी 98 एंड इथेनॉल विल बी 2%. बट ये ओल्ड टारगेट है. और बायोडीजल प्लस डीजल का है 0.1%. तो अब पॉलिसी ने क्या टारगेट किया, पॉलिसी का टारगेट लिख लो, इथेनॉल प्लस पेट्रोल इज इक्वल टू 20% बाय 2030, ठीक है. इथेनॉल प्लस पेट्रोल इज इक्वल टू 20%, कि हमने 20% कर देना, मतलब दैट पेट्रोल विल बी 80% एंड इथेनॉल विल बी 20%, ठीक है. द सेकेंड इज बायोडीजल प्लस डीजल इज इक्वल टू 5%. बायोडीजल प्लस डीजल इज इक्वल टू 5%, मतलब क्या है, डीजल कितना होगा 95% एंड बायोडीजल विल बी 5%. समझे, क्लियर? टारगेट याद रखना, बाय 2030 हमने अचीव करना है इथेनॉल प्लस पेट्रोल इज इक्वल टू 20% एंड बायोडीजल प्लस डीजल इज इक्वल टू 5%, ठीक है. नाउ टू अचीव दिस टारगेट हमें चाहिए क्या, रॉ मटेरियल, ठीक है. अगर हमने इतना टारगेट अचीव करना है, एक तो हमारे पास फर्स्ट जनरेशन का ऑप्शन है. फर्स्ट जनरेशन में इशू क्या आएगा, फूड सिक्योरिटी, है ना. वी कैन नॉट प्रोड्यूस, सर अभी देखो पेट्रोल का इथेनॉल 2% का टारगेट था, उस टाइम पर शॉर्टेज आ गई, ठीक है. तो अभी तो हमारा टारगेट कितना है 20%. इट मीन्स वी नीड अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज फर्स्ट जनरेशन. तो बायोफ्यूल पॉलिसी ने एक सिस्टम सेट किया कि कुछ ऐसा सिस्टम सेट करते हैं फर्स्ट जनरेशन से भी बायोफ्यूल बनाएंगे एंड सेकेंड जनरेशन से. क्लियर? तो बायोफ्यूल पॉलिसी का टारगेट क्या है, तो इसने एक टर्म दी, ये टर्म ही है, ठीक है, प्रीलिम के लिए याद रखना. वन इज एडवांस बायोफ्यूल, एडवांस बायोफ्यूल, सीधा ही क्वेश्चन आएगा कि एडवांस बायोफ्यूल होते हैं, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में. एडवांस बायोफ्यूल आर एक्सेप्ट फर्स्ट जनरेशन, पहली जनरेशन को छोड़ दो, बाकी सेकंड जनरेशन थर्ड फोर्थ दीज आर एडवांस बायोफ्यूल. क्लियर? सो इट मीन्स एडवांस नाम क्यों दिया गया, सो दैट वी शुड वी कैन फोकस ऑन दिस, है ना. पहले तो हम फर्स्ट जनरेशन पर फोकस करते थे, उससे इशू आ रहा था फूड सिक्योरिटी का. नाउ वी आर गोइंग टू फोकस ऑन एडवांस बायोफ्यूल, ठीक है. सो एडवांस बायोफ्यूल उसने बता दिया, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन की टेक्नोलॉजी ऑलरेडी काफ़ी टाइम से इंडिया के पास है, तो सेकेंड जनरेशन की टेक्नोलॉजी नहीं आई है ना, तो उसको हमने एडवांस बायोफ्यूल बोल दिया, ठीक है. नेक्स्ट वन इज ड्रॉप इन फ्यूल, ड्रॉप इन फ्यूल, दीज आर सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल. ड्रॉप इन फ्यूल होते गए, फॉर एग्जाम्पल मिथेनॉल इज द ड्रॉप इन फ्यूल. ड्रॉप इन फ्यूल की जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में उन्होंने डेफिनेशन दिया है, उसको लिख लो, विच मीट इंडियन स्टैंडर्ड एंड जेट फ्यूल इन प्योर फॉर्म. सेकेंड जनरेशन की है, सेकेंड जनरेशन क्या है, सेकेंड जनरेशन क्या है,
generation. It is also called a second generation Bible. And jet fuel, which meet Indian standards, and jet fuel in pure and blended form. In pure and blended form, and can be utilized, and can be utilized in vehicle without any modification in engine. ठीक है कि आपको ऐसा नहीं है जो directly हम use कर सकते without any मतलब जो high standard jet fuel, you know that jet fuel is a very high purified, high quality का होता है ना. अभी recent time पर तो jet fuel की price भी हमारे जब global level पर काफी इतना costly नहीं था ना petrol जो हमारा crude oil, उस time पर government ने जो companies को पैसा दिया हमें, तो हमारा जो petrol और diesel का price तो काफी high था, but at that time even jet fuel का price कम हो गया हमारे petrol, otherwise वो काफी ज़्यादा होता. थर्ड वन लास्ट स्टेटमेंट इज बायो सीएनजी क्या होता है, दे आर थर्ड जनरेशन. विच मीट और विच वी कैन से विच आर सिमिलर टू नेचुरल गैस. क्लियर, एक तो ये चेंजेस कर दिए हम, है ना, जो नई टर्म है जो ग्रीक में पूछे जा सकते हैं. सेकंड वन इज और बायोफ्यूल पॉलिसी में क्या है, एक्सपेंशन ऑफ रॉ मटेरियल. व्हाई एक्सपेंड क्यों करना पड़ा, फूड सिक्योरिटी, है ना. अगर फूड सिक्योरिटी तो पहले शॉर्टेज है, तो इन्होंने क्या किया, एक्सपेंड कर दिया. एक्सपेंड करके कुछ और रॉ मटेरियल इसमें डाले. पहले हम जो यूज करते थे दैट इज मोलासेस सीड. मोलासेस पता है क्या होता है, वो नहीं है, जो वो लिक्विड जो होता है दैट इज मोलासेस. शुगर केन में दो चीजें निकलती हैं, कौन कौन सी, एक पे गैस होता है एंड अनदर वन इज मोलासेस. जो आप देखते हो यहाँ पर तो वो तो गैस है ना, तो मोलासेस क्या होता है, जो सिरप जैसे यूज होता है ना शुगर इंडस्ट्री में, तो वहाँ पर सिरप निकलता है. ये अगर लेट अस सपोज यहाँ पर शुगर केन, ठीक है तो इसका हम क्या करेंगे, पहले सिरप बनाएंगे, ठीक है, उसके बाद शुगर. तो यहाँ पर फर्स्ट क्रिस्टलाइजेशन में जो शुगर आएगी ना, ये वाली, दिस विल बी अ ए शुगर. ए शुगर मतलब हाई क्वालिटी शुगर. इसके साथ निकलेगा मोलासेस ए, समझे, मोलासेस ए मतलब इसका मतलब ये हाई क्वालिटी की शुगर है, और ये वाला मोलासेस ए में भी शुगर होगी. देन वी इंट्रोड्यूस अगेन मोलासेस ए को, ठीक है, then it will lead to a sugar of B quality. और molasses कौन सा निकलेगा, molasses B. उसके बाद फिर इसको करेंगे, ठीक है, sugar C quality जो आपको मिलती है शॉप पर, ठीक है, कि भाई सस्ती दे रहा है महंगी दे रहा है, यही फर्क है A B and C. तो यहाँ पर molasses कौन सा आएगा, C quality, ठीक है. नो प्रीवियसली हम जब यूज कर रहे थे, ठीक है, इथेनॉल में, वो कौन सा मोलासेस यूज कर रहे थे, मोलासेस सी. मोलासेस सी में शुगर कंटेंट ज्यादा होगा या बी में ज्यादा होगा, बी में ज्यादा होगा. इट मींस अगर हम प्रीवियसली जो यूज कर रहे थे उसमें शुगर कंटेंट ऑलरेडी कम है, इट मींस उसे इतना इथेनॉल तो प्रोड्यूस होगा ही, है ना, इथेनॉल अगर शुगर कंटेंट जितना होगा उतना ही प्रोड्यूस होगा. तो मोलासेस सी हम प्रीवियसली यूज कर रहे थे, अब हमने अमेंड करके क्या कर दिया, दैट वी आर गोइंग टू यूज अ मोलासेस P, which have a higher sugar content. Clear? So adoption of molasses B. अभी ये क्वेश्चन भी मैं पढ़ रहा था कहीं पर, तो ये प्री के पर्सपेक्टिव में क्वेश्चन ही आएंगे इसमें से, 18-20 क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है, बायोफ्यूल पॉलिसी में कंसेप्ट पर.
ओके नाउ इफ देयर इज अ ओवर सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन, ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन स्टेटमेंट ही आती है ओवर सप्लाई होगी फूड ग्रेन की इंडिया में, तो क्या हम यूज कर सकते हैं? यस, अब हमने मेंड कर दिया था, वी कैन यूज इफ देयर इज अ ओवर सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन। जल्दी जल्दी लिखो, इसको खत्म करते हैं, है तो इतना इंटरेस्टिंग तो है नहीं, मुझे भी नहीं लग रहा, आपको लग रहा है? ठीक है, इफ देयर इज अ, क्योंकि है फैक्ट ही है सारे, इफ देयर इज अ ओवर सप्लाई ऑफ शुगर के, ठीक है, और सॉरी फूड ग्रेन्स, देन वी नीड अ अप्रूवल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर अप्रूवल देगी कि हाँ आप यूज कर सकते, देन वी कैन यूज। ओवर सप्लाई होगी, देन देयर देयर इज अ नीड टू टेक अ परमिशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। और इसमें क्या, जल्दी जल्दी लिख लो स्टेटमेंट, ये एक तो उसने बोला इंसेंटिव टू एडवांस्ड बायोफ्यूल, कि हमने हम इंसेंटिव देंगे, क्यों? बिकॉज वी नीड अ एडवांस्ड बायोफ्यूल, कौन से हैं? सेकंड जनरेशन, सो इट मींस वी नीड अ सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल, तो उसमें क्या होगा, अगर जितना इंसेंटिव देंगे उतना ही हम यूज करेंगे सेकेंड के लिए जाएंगे, है ना, अदरवाइज तो फर्स्ट के लिए। सेकेंड इज FDA कितना किया गया, इंसेंटिव टू एडवांस बायोफ्यूल हो गया। नेक्स्ट इज FDA कितना, 100% थ्रू ऑटोमेटिक रूट, ठीक है, इसमें 100% FDA। एडवांस बायोफ्यूल की प्राइसिंग कौन करेगा, और ये क्वेश्चन है कि स्टेटमेंट ही लिख लो, प्राइसिंग कि कौन प्राइस सेट करेगा कि ये एडवांस बायोफ्यूल का प्राइस है, दैट विल बी बाय नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी। प्राइसिंग कौन करेगा, नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी। अच्छा, पहले इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम जो था हमारा, उसमें कौन सेट करता था, गवर्नमेंट, और जो बायोडीजल मिशन था उसमें ऑयल कंपनीज। अब इसमें एडवांस फ्यूल में कौन करेगा, नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी, ये होती क्या अभी बता था। अच्छा, एक्सपोर्ट अलाउड है, नहीं, इंपोर्ट इज अलाउड, एक्सपोर्ट किसी भी कंडीशन में अलाउड, ये इसलिए मैं करवा रहा हूँ, ये फ्री में सीधे सीधे क्वेश्चन है, एक्सपोर्ट नहीं अलाउड बट इम्पोर्ट इज अलाउड, अगर हमारे पास फील्ड स्टॉक है, ठीक है। ओवरऑल कोऑर्डिनेशन कौन करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ठीक है, कोऑर्डिनेशन इसका वो करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो इसने एक नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है, जो मैंने अभी बताई है ना, उसका चेयरमैन होगा मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेशनल गैस, क्लियर? तो अभी रिसेंट इशू क्या हुआ था, अभी किसी ने न्यूज में पढ़ा है, मेरे ख्याल से एक दो दिन पहले आया था, है ना, जो मिल से, जितनी भी मिल्स हैं ना, वहाँ से शुगर खरीदते हैं ऑयल कंपनीज, उसका प्राइस क्या किया है इन्होंने, शुगर का प्राइस क्या किया, इंक्रीज कर दिया ना, है ना। तो आइडिया इज कि मिल वाले एक तो देखो शुगर प्रोड्यूस करेंगे फॉर फैक्ट्री कंजप्शन, है ना, अगर यहाँ पर इनको हाई प्राइस मिल रहा है तो क्या करेंगे, दे कैन शिफ्ट टू दिस, यही आइडिया गवर्नमेंट का है कि शुगर प्रोडक्शन डिक्रीज हो और यहाँ पर थोड़ा दिस इथेनॉल के लिए हमें रॉ मटेरियल ज़्यादा, ठीक है, क्लियर, इतना ओके।